दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आधार कार्ड से यूपीआई आईडी कैसे बनाएं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि दोस्तों आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां से हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों मैं 100% में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाने के लिए दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पर टैप करके दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों बहुत सिंपल सा स्टेप है, मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों आपको रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। आप जैसे ही दोस्तों ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको यूपीआई आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने दोस्तों आपको करना क्या है, यूपीआई आईडी बनाने के लिए दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में दोस्तों प्रोफाइल ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको स्लाइड करते जाना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने फोन पे एप्लीकेशन का न्यू यूजर है, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली ऐड बैंक अकाउंट करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ओल्ड यूजर है, 3-4 बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने स्लाइड किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं ऐड बैंक अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। आपको भी दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसी वाली बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी बैंक अकाउंट दोस्तों आप आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं। मान लो कि दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और भी दोस्तों आपको काफी सारे बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कि दोस्तों आपका जो भी बैंक है यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सर्च बाय बैंक नेम पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका जो भी बैंक नेम दोस्तों आपको सर्च कर लेना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसी वाले बैंक अकाउंट को दोस्तों मैं आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है दोस्तों वहां पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक, यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, और दोस्तों एक बात याद रखना, आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप आधार कार्ड से यूपीआई आईडी आप बना सकते, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट दोस्तों जैसे ऐड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, पूरा लास्ट में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा डन, ठीक है। आपको दोस्तों डन पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको कट बटन पर आपको प्रेस कर देना, ठीक है। अब जैसे दोस्तों प्रेस करोगे, यहां पे दोस्तों आपको उसी वाले बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना, जिस वाले बैंक अकाउंट को दोस्तों आपने अभी ऐड किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसी वाले बैंक अकाउंट को दोस्तों मैंने अभी ऐड किया, यहां पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई पिन करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों आपको सेट पिन पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका मोबाइल पे रिसेट करके ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। ये ऑप्शन दोस्तों कोई मतलब नहीं है, आपको दोस्तों मतलब है आधार कार्ड ऑप्शन शो होना, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको दोस्तों सेट पे आपको क्लिक कर देना, या दोस्तों अगर आपका मोबाइल पे रिसेट करके ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने दोस्तों आपका सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो सेट यूपीआई पिन यूजिंग, ठीक है। आपको दोस्तों दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आधार कार्ड का और दोस्तों डेबिट एटीएम कार्ड का, ठीक है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है दोस्तों एटीएम कार्ड, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास तो एटीएम कार्ड नहीं है ना, हम आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाएंगे ना, इसलिए दोस्तों आपको पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूँ, किसी किसी बैंक अकाउंट में दोस्तों अभी तक आधार कार्ड का ऑप्शन अभी तक आया नहीं, ठीक है। आपको दोस्तों कुछ दिन आपको वेट कर लेना, उसके बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में भी दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो दोस्तों वहां पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको पहला वाला ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, पूरा लास्ट में दोस्तों आपको प्रोसीड करके ऑप्शन मिलेगा, वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों नाबी एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों लिंक पर टैप करके नाबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फाउंड 10 रुपीज यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑन टाइम पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। डरने का कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों, आपको केवाईसी के लिए आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और दोस्तों आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों केवाईसी कंप्लीट करोगे, उसके बाद दोस्तों 10 रुपीज ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट रहेगा। आपको दोस्तों पे नाउ पे आपको क्लिक करके यूपीआई से आपको 10 रुपीज ऐड कर लेना, ठीक है। 24 घंटे के बाद उस पैसे को फिर से आप विड्रॉ लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 10 रुपीज ऐड करोगे, आपके चले आना बैग, बैग आने दोस्तों आपको नीचे तरह स्क्रॉल करते जाना, माय रिवार्ड पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे दोस्तों आपको 10 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। आपको दोस्तों एक कैशबैक मिलेगा, जिसको दोस्तों आपको स्क्रैच कर लेना, अप टू दोस्तों 30 रुपीज से लेकर आपको 300 रुपीज तक आपको कैशबैक मिलेगा, जो पैसा के दोस्तों इंस्टेंट आपका बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, जिस वाली बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया। जाओ दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे
पे इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है, इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। आपका जो आधार कार्ड पे जो 12 अंक का नंबर रहता है ना दोस्तों, ओनली आपको फर्स्ट जो 6 डिजिट का नंबर आपको गिन के आपको डाल देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों, मैंने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट का नंबर डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे दोस्तों जिस वाली मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाली मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा। और दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर भी दोस्तों जिस वाली मोबाइल नंबर लिंक है और उसी वाली मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको दो ओटीपी, ठीक है, एक आधार ओटीपी, एक दोस्तों बैंक ओटीपी, आपको दोस्तों दोनों ओटीपी आपको डाल देना। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों, मैंने बैंक ओटीपी भी डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने दोस्तों आपको बोला जाएगा सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। आपको दोस्तों न्यू 4 डिजिट यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करोगे या खुद का बैंक बैलेंस चेक करोगे या किसी का भी यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करोगे ना दोस्तों, उसी समय दोस्तों आपको डालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों हम यूपीआई पिन यूपीआई के नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। आप जो भी दोस्तों यूपीआई पिन आप क्रिएट करोगे उसको दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांग रहा है तो दोस्तों आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपको क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं 4 डिजिट का यूपीआई पिन में क्रिएट कर लेता हूं। और हेलो दोस्तों, मैंने 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कॉन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन। आपने जो दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना, उसको दोस्तों आपको दोबारा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फर्म करना पड़ेगा। तो चले दोस्तों मैं कॉन्फर्म कर लेता हूँ। और हेलो दोस्तों, मैंने 4 डिजिट का यूपीआई पिन कॉन्फर्म किया, ठीक है। आपको भी दोस्तों कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा लास्ट में राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो, आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ मेरा यूपीआई पिन दोस्तों सेट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों इसी वाली यूपीआई से दोस्तों मैं किसी को भी पैसा ट्रांसफर करूंगा या खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका सामने इसी वाली बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो यूपीआई दोस्तों सेट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करूंगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने जो 4 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करके रखा है ना दोस्तों, वो 4 डिजिट का यूपीआई पिन मैं डाल देता हूं। और हेलो दोस्तों, मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहां पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है, यहां पे दोस्तों देख सकते हो मेरे जो पेटीएम पेमेंट बैंक में दोस्तों सिर्फ 2 रुपीस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक ही दोस्तों, हम आधार कार्ड से भी दोस्तों यूपीआई आईडी आप बना सकते हैं, ठीक है। बस दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं, आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट दोस्तों आप आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं उसी वाले बैंक अकाउंट को आपको ऐड कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड का ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके दोस्तों यूपीआई आईडी आप बना लेना, ठीक है। बस दोस्तों कंडीशन एक ही दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड पे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और दोस्तों आपका बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। तभी दोस्तों इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके चालू कर सकते हो उसी वाली बैंक अकाउंट को। पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर आप चालू कर सकते हो, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आप चालू कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया, कुछ भी आपको जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और भी दोस्तों इस तरह का वीडियो देखना चाहते, जैसा कि दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों मैं 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।